burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे। मुझे एक्चुअली कुछ सिम का काम था तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ पहले, एंड देन फिर एटीएम में कुछ काम है, फिर उसके बाद कुछ खाने चलते हैं। आज मेरा बहुत मन हो रहा है छोले भटूरे खाने का, लाइक बहुत क्रेविंग हो रहा है। आई एम ए साइकोपैथ, जब मेरे को भूख लगती है कुछ खाने का मन होता है ना तो मैं अकेली भी निकल जाती हूँ अगर कोई ना मिले तो, क्योंकि भाई मेरा मानना है कि कभी खाने को मना नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं नीचे साइड और पहले अपने सिम का काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे साइड। भैया एयरटेल का सिम मिल जाएगा? सो या गाइस एटीएम का काम हो चुका है, अब चलते हैं कुछ खाने। और मम्मी का भी डिमांड है कि लाइक पानी पूरी और वो लेके आना चाट पापड़ी, तो लेके चलते हैं घर की साइड अभी। ताने चल दे प्यार सोनिए, ताने चल दे प्यार। जहाँ मुझे जाना है, लेट्स सी भीड़ है यार, इट्स तो लेट्स सी, चलते हैं। So, yeah guys, I'm leaving from this place. मेरा खाना पीना डन हो चुका है, तो मेरा बहुत क्रेविंग हो रहा था खाने का, बहुत मन था इसलिए मैंने खा लिया। पेट्रोल तो नहीं है पर कल ही भराऊंगी, अभी रात हो गई, चलते घर साइड। इतना ज़्यादा हो गया था ना सब कुछ, इसलिए मैंने थोड़ा पैक भी करवा लिया और मम्मी ने जो ऑर्डर दिया था वो भी पैक करवा लिया है। चलते घर साइड, थोड़ा अंधेरा हो गया। The next day. Hey guys and welcome back to my channel. जैसे कि कल देखा ही होगा शाम हो गई थी बहुत, इसके बाद मैं चली गई थी, शाम क्या रात हो गई थी, उसके बाद मैं चली गई घर। अभी हमारा प्लान बना है यही पास में कहीं जाने का। अभी हम जा रहे हैं इंद्रनाग साइड। इंद्रनाग में जो है पैराग्लाइडिंग होती है, जो आउट ऑफ धर्मशाला रहते हैं उनको, जिनको नहीं पता है तो उनको बता देती हूँ, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है एंड मंदिर भी है वहाँ पे। और उससे थोड़े से टॉप के एरिया में अगर हम जाएंगे तो जो है वहाँ पे अच्छा सा व्यू पॉइंट है, हम अच्छे से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे, लाइक फन वगैरह कर सकते हैं। वैसा वहाँ से ऑफ रोडिंग भी है। आज कोई ऑफ रोडिंग का कोई प्लान नहीं है हमारा पैसिफिक, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे कितने ऑफ रोडिंग करते हैं बोल के, बट मेरे को प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से। हम जा रहे पेट्रोल भराने, पहले पेट्रोल भरा लेते क्योंकि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भरा लेते फिर उसके बाद चलते ऊपर साइड। के हाल चाल है आपके? जा रही हूँ, हेलो बोलो। मैं अभी इधर तक ही जा रही हूँ, इधर तक ही जा रही हूँ, ऊपर तक मिलते हैं, बाय। ये मेरे जिम वाले भैया थे, तो अभी चलते हैं अपनी स्टेशन की ओर जहाँ पे हमें जाना है, एंड दिस इज़ दाढ़ी मार्केट। सो गाइस यहाँ से हमें लेना है ऊपर को टर्न, हम ऊपर को टर्न लिए तो यहाँ से स्टार्ट होता है इंद्रनाग का रोड, एंड विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ धर्मशाला। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आए होंगे इस टाइम पे, तो थोड़ी सी भीड़ भी होगी क्योंकि ये है मेन पैराग्लाइडिंग स्पॉट, यहाँ से ये पैराग्लाइडिंग होती है। एंड ये एरिया देखो कितना शांत है, कितना पीस है यहाँ पे, बट ये जो मोड़ है यहाँ पे कभी भी गाड़ी आ जाती है देखो, लाइक तो पता नहीं होता यहाँ पे, इससे आराम से चलना होता है, इन्होंने बीच में रोक दिया है, फूलों के चलाना पड़ता है इस रोडों में, बट यहाँ पे लीन बहुत सही होते हैं। एक तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी लो है, तो बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैंने जो अपना मतलब शेड्यूल बना रखा है कि मुझे हर एक दिन के गैप के बाद अपना व्लॉग अपलोड करना ही करना है, तो आई विल डू दैट, मैं उसमें कोई गैप नहीं आने दूँगी।
तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि ऐसा कुछ भी ना हो, चाहे तबीयत जितनी मर्जी ख़राब हो, आई विल डू। सो गाइस, दिस इज़ इंद्रुनाग। यहाँ पे देखो पैराग्लाइडिंग वगैरह भी हो सकती है, जिप लाइन अगर आप आना चाहो तो। यहाँ पे होटल्स वगैरह भी अवेलेबल है, रूम्स, होम स्टेज ऑल। बट अभी हम ऊपर वाली एरिया में जा रहे हैं जो जहाँ से कि पूरा धर्मशाला दिखता है। ये देखो, जस्ट चेक आउट दिस। ये तो मेरे को आपको रोक के दिखाना पड़ेगा। वो देखो पूरा धर्मशाला यहाँ से दिख रहा है। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. Guys, यहाँ पे हमें आना था, हम पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन में, और मेरे पीछे का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। चलते अभी कैफे में, पहले कुछ खाते। सो गाइस, दिस इज द कैफे। जब भी आप कभी आओ तो आप ज़रूर आना। और यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, आपको व्यू भी मिलेगा। बट बाकी लेट्स सी खाने में क्या है क्या नहीं है। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके थे कैफ़े में, अभी हमने ऑर्डर किया है मैगी, और मैगी खाते। गाइस, वी आर लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। देखो यहाँ से व्यू कितना प्यारा है, पूरे पहाड़ दिखते हैं यहाँ से, पूरा धर्मशाला स्टेडियम सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। बट बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ पे होता रहता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। तो थोड़ा बारिश का मौसम जो है आप लोग भी अवॉइड करना, ये मौसम में आओ या विंटर्स में आओ। विंटर्स में आओगे तो आपको स्नोफॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगी, तो वो बहुत अच्छा है। और अगर आप समर्स में आते हो तो बेस्ट। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मस्त यार। ते हैं वापस घर के साइड। तो या गाइस, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। Standing tall, fear outweighed the mercy.